नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों लीजिए, एक और यूजफुल एपिसोड में आपके साथ लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मुझे एपिसोड बनाने से पहले मुझसे आपसे कुछ बात करनी है। दोस्तों मेरी जो वीडियोस है बहुत सारे व्यूज तो नहीं ला पा रहे, क्योंकि आई डोंट नो आपकी इंटरेस्ट जो है कम हो रहे हैं या फिर कुछ यूट्यूब में गड़बड़ी है। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच नहीं हो पा रही है, उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे करके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ एक बार आप रैंडमली यूट्यूब की ऐप को जाके अपने रिसेंट सब्सक्राइब चैनल जो रहते हैं उनको जाके एक बार चेकआउट करते रहेगा, ताकि नोटिफिकेशन अगर नहीं आएंगे तो भी आपको एक जो लेटेस्ट वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन आपकी और आ जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और मुझे लाइक्स कमेंट्स कुछ भी नहीं आ रहे आपके मतलब आपके तरफ से मुझे कुछ भी लाइक्स भी नहीं आ रहे और कमेंट्स जो मेरी वीडियोस आपके लिए पसंद आ रहे हैं या फिर समझ में आ रहे या नहीं आ रहे, कोई तो मुझे पता चलनी चाहिए ना। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स डाला कीजिएगा, और लाइक्स तो बनती है ना दोस्तों, इतनी मेहनत के साथ महंगाई के ज़माने के अंदर मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे लाइक्स नहीं मिलते तो मैं बहुत डीमोटिवेट होने लगा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के एपिसोड में आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों कहीं पर भी आप गाड़ी को लेके जाते हो ना, तो आपको पार्किंग करने की एक समस्या हमेशा रहती है, ठीक है। जब भी आपको बिगिनिंग टाइम के ऊपर आपको एक थोड़ी सी सेंस, वहाँ पर हम कहेंगे पार्किंग सेंस बोलते हैं उसको, उसको आपको अडॉप्ट करनी होती है। जैसे कि क्या होती है, अगर आप गाड़ी को खड़े कर रहे हो किसी रोड के बाजू में, आपको गाड़ी खड़ी करनी होती है, तो आपकी गाड़ी जो है ना ठीक रोड के लेफ्ट या फिर रोड के लेफ्ट राइट साइड के लिए खड़ी होनी चाहिए। आप क्या करते हो, बिगिनिंग टाइम के ऊपर ये जो रोड है आपकी, और आपकी गाड़ी जो है थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे खड़ी हो जाती है, इस तरह से थोड़ी सी आपको टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस होकर खड़ी हो जाती है। वो इसलिए होती है, आपको गाड़ी की जो डायमेंशंस रहती है ना ठीक तरह से आपको पता नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको कैसे पता करनी है मैं आज आपके लिए बताने वाला हूँ। आप समझिए, मुझे आगे जाके मुझे गाड़ी को पार करनी है, तो पहले से आपके माइंड में एक बात बना लो, मुझे वहीं पर जाके गाड़ी को खड़ी करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी को लेके उधर जाके रुक के थोड़ी सी सोचने लगते हैं, मुझे यहाँ पे खड़ी करनी है या फिर वहीं पे खड़ी करनी है। तो वहां पर क्या होती है, आपके लिए थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजन जनरेट होने लगती है और आप पैनिक में बदल जाते हो, ठीक है। तो पैनिक मत होइएगा, जब भी आपकी गाड़ी को पार करनी होती है, आपकी गाड़ी को जो ठीक रोड को छोड़ के अंदर आनी रही, आपकी गाड़ी जो है रोड को छोड़ के अंदर रहनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी किया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, ओवरवे में आपको शायद दिख रहे होगी, यहाँ पर देखिए, आप शायद ओवरवे में देख रहे हो ना। तो यहाँ पर होती क्या है दोस्तों, वहाँ पर देखिए, मैंने ओवरवे के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, मेरी गाड़ी जो खड़ी है बिल्कुल रोड के लेफ्ट साइड में खड़ी है, और कोई भी तकलीफ भी नहीं होती है, जो भी लोग आते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए, यही मैं बताने के लिए आज मैं आपके लिए ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह होती है, यहाँ पर आप देखिए मेरी ओवरवीएम के अंदर मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, रोड जो है उसके छोड़ के मेरी गाड़ी की जो पार्ट है वो अंदर ही है। अगर आप थोड़ी सी तकलीफ में पड़ते हो तो आपके मिरर को, ओवरवीएम की मिरर को सेटिंग कीजिए, ताकि आपको रियर व्हील दिख सके। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आई होप आप देख रहे हो, रोड की एज है, रोड की एज के अंदर ठीक मेरी गाड़ी सेफ पॉइंट पे खड़ी है। अगर आप थोड़ी सी रोड के बाहर खड़े कर जाते हो ना, तो सेफ्टी नहीं बन पाती है, कोई आता है तो रैश में आ जाता है, या फिर कोई बंदा किस मूड में रहता है कौन जाने यार। तो सही टाइम पे अगर आपकी गाड़ी जो रोड के ऊपर खड़ी होती है, तो आपकी गाड़ी के साथ उनकी टक्कर हो सकती है, खामखा दोनों के लिए टेंशन बन सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको गाड़ी पार करनी होती है। तो चलिए, बातें करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपके लिए करके दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों चलते हैं, बहुत गर्मी है इसीलिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर अपनी एसी को चालू कर देता हूँ, ठीक है। ओके ऑलराइट, तो लेट्स मूव दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। मुझे आपको कहीं पर जाके एक पार्किंग एरिया में दिखा लेता हूँ, ठीक है। आरपीएम क्यों ऐसे हो रहा है यार, ऊपर नीचे काय को हो रहे हैं, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट है आई एग्री, बट क्यों ऐसे, ठीक है देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जब भी आप गाड़ी चलाते रहते हो ना, तो इस टाइप के रोड के अंदर आपकी गाड़ी को थोड़ी सी स्लो रखा कीजिएगा। क्या होती है, क्योंकि अगर कोई भी आपके बीच में सडन से आ जाता है ना, तो एंटर कर जाता है ना, तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकती है, ओके। तो अभी देखिए मुझे चढ़ाई चढ़नी है, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी कार को आप फर्स्ट गियर में रखिए या फिर सेकंड गियर में रखिए, ठीक है। और हाफ क्लच दबाते हुए आपको रोड को ज्वाइन करनी होती है, पैनिक मत हो जाएगा। और रोड को एंटर करते ही आपको स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल स्ट्रेट करनी होती है, अपने आप सेल्फ स्टीयरिंग करती रहती है, लेकिन आप उसके साथ जूझिएगा मत, सेल्फ स्टीयरिंग होने दीजिए, और उसके बाद आप जितना चाहे आप अपनी हाथ से स्टीयरिंग व्हील को स्ट्रेट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए। और दोस्तों जब भी आप गाड़ी को रोड के अंदर इस तरह से चलाते रहते हो ना, तो एक लेन में रही है, इधर लेफ्ट में रही है या फिर राइट में रही है। क्या होती है, अगर आप गाड़ी को लेकर सेंटर में चले जाते हो ना इस तरह से, बिगिनिंग टाइम के ऊपर ऐसे होती रहती है आपकी, ठीक है, इस तरह से होती रहती है। इस तरह से मत किया कीजिएगा, वो पट्टी दिख रही है ना, बिल्कुल उसके लेफ्ट या फिर उसके राइट में रहा कीजिएगा। तो क्या होती है, बिल्कुल आपके सामने आने वालों को भी कुछ परेशानी नहीं हो जाए, और ओवरटेकिंग करते वक्त भी आपको परेशानी नहीं होती है, और ज्यादा से ज्यादा आपके पीछे कोई भी आता रहता है तो उनको बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। अगर आप सीधे चलेंगे तो एक लेन में चलेंगे तो भी बिना परेशानी के चलेंगे, और आप भी एक आराम से बिना परेशानी के साथ ले सकते हो। क्योंकि क्या होती है, अगर आपको कोई भी ओवरटेक करता है तो आपको आपके राइट साइड से वो ओवरटेक करके चला जाता है। अगर आप ऐसे एक बार ऐसे अगर एक बार ऐसे लेफ्ट एंड राइट ऐसे करने लगोगे ना, तो पीछे आने वालों को परेशानी होती है और वो गुस्से में आके आपको गाली दे सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप एक लेन को मेंटेन किया कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अभी मुद्दे पे आते हैं, पार्किंग करनी है मुझे इस क्या बोलते हैं आप इस सॉरी यार इसको क्या बोलते हैं इस पैसेज के ऊपर मुझे गाड़ी को खड़ी करनी है, ठीक है। आगे जाके मुझे थोड़ी सी गाड़ी खड़ी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखिए मैं अपनी गाड़ी के लेफ्ट इंडिकेटर लगाया। लेफ्ट इंडिकेटर लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को टर्न किया, ठीक है, और मुझे पार्क करनी है इस पैसेज के अंदर ही, ठीक है। ये देखिए मैं स्टार्टिंग वक्त क्या होती है, आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी हो जाती है, देखिए अब मेरी गाड़ी जो है टेढ़े खड़ी है, तो इसको कैसे आपको जानी होगी, आप थोड़ी सी अपनी ORVM का इस्तेमाल कीजिए। आपको लेफ्ट साइड से दिखा नहीं दे रहे तो आप थोड़ी सी उनको नीचे कीजिएगा और रोड की माप लीजिए, और ऐसे ही राइट साइड की भी मिरर को एडजस्ट कीजिए थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप रोड के अंदर टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना तो बाकी सारे लोगों को परेशानी होती है। तो थोड़ी सी आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी है, मतलब टेढ़े, मतलब लेफ्ट साइड के लिए ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी राइट को छोड़ा, और अभी मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी आगे लेता हूँ गाड़ी को। ये देखिए मैं घुमा रहा हूँ स्टेयरिंग व्हील को और अपनी गाड़ी की जजमेंट ले रहा हूँ। ये देखिए अब मेरी गाड़ी जो है ठीक तरह से रोड के ऊपर खड़ी हो गई है, ठीक है। ये देखिए परफेक्टली मेरी कार जो है पार्क हो गई है, थोड़ी सी अप करके दिखाता हूँ। ये देखिए रोड वहाँ पर है और मेरी कार जो है इस पैसेज के ऊपर खड़ी है, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से सीधी खड़ी है गाड़ी। अगर आपको फिर भी क्या बोलते हैं आप तसल्ली नहीं मिल रहे, तो एक बार आप नीचे उतर के देख सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं अपने कार को बिल्कुल शानदार तरीके से स्ट्रेट पार्क किया हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेंसिबल पार्किंग। अगर आप इस रोड के अंदर थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा पार्क कर जाते हो ना, तो आगे पीछे आने वालों को भी कुछ दिक्कतें होती है ना, इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ पार्क कीजिए तरीके से, पार्क कीजिए अपनी हिसाब से, ठीक है। कहीं पर भी ऐसे ऐसे छोड़ के या फिर टू व्हीलर को निकालने के लिए मुश्किल हो जाती है, एक एक बार ऐसे लोग कर जाते हैं, तो वैसे मत कीजिए। और एक एक बार क्या होते हैं, एकदम से आप दूसरी गाड़ी के नज़दीक जाके आप पार्क कर जाते हो, तो वहाँ पर दिक्कत क्या होती है, आपकी डोर्स ही नहीं खुलेंगे, तो वो एक नॉनसेंस पार्किंग हम बोलते हैं। इस तरह से पार्किंग नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपके लिए पसंद आ गई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक तो ज़रूर दिया कीजिएगा दोस्तों। बहुत डीमोटिवेट में हो रहा हूँ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ ड्राइव अहेड दोस्तों, सीट बेल्ट जरूर पहनेगा, अगर आप टू व्हीलर चला रहे तो हेलमेट जरूर पहनेगा, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।